अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल लेकर आया हूँ यूनी प्रेस न्यूज़ पोर्टल। आम तौर से सैटरडे को आयुष डॉक्टरों के ताल्लुक से न्यूज़ लेकर आते हैं, लेकिन आज इमरजेंसी में सिंगल न्यूज़ लेकर आना पड़ा है, वो है 65,000 मानदेय के ताल्लुक से। मालूम होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 1 नवम्बर को हाईकोर्ट में 65,000 के लिए केस चल रहा है, उस पर हाईकोर्ट ने ACS को फिज़िकली अपीयरेंस होने के लिए आदेश दिया है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि उसके पैरलर डिपार्टमेंट में 65,000 के लिए फाइल भी चल रहा है और कुछ लोगों ने उस फाइल की कॉपी चिट्ठी निकलने से पहले सोशल मीडिया पर डाल भी दिया है। आज उसी 65,000 मानदेय के ताल्लुक से डिपार्टमेंट से सरकार की चिट्ठी निकल गई है, जिसके बाद 28 अक्टूबर से बिहार के तमाम आयुष डॉक्टर, चाहे NRHM में हों या RBS के, दोनों को 65,000 रुपये मानदेय मिला करेगा। हालांकि हाईकोर्ट की सुनवाई आज नहीं हो पाई है, वो नंबर पर नहीं आने की वजह से उसका 3 तारीख को डेट आया है, लेकिन इस बीच डिपार्टमेंट से चिट्ठी निकलने से तमाम आयुष डॉक्टरों में खुशी की लहर है। आयुष डॉक्टरों की दोनों बड़ी तंजीमें आमसा और RBS को बहुत बहुत बधाई, उसकी कोर टीम को स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, जिनकी प्रयास से आज 65,000 मानदेय पर मोहर लग गई है। रियल और फैक्ट न्यूज़ के लिए देखते रहें यूनी प्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।